रीवा जिले के गुड़ सीमा से लगे ग्राम बदवार में गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह के नेतृत्व में क्षेत्र की कई समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है। धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे गुड़ एसडीएम से समस्याओं के निराकरण की मांग करते हुए धरना स्थल पर ही गुड़ विधायक ने क्षेत्र की जनता के साथ ज्ञापन सौंप कर धरना प्रदर्शन समाप्त किया। इस मौके पर प्रदर्शन के मुख्य रूप से पंडित बालेंद्र शुक्ला, मंडल अध्यक्ष अरुण सिंह, विशंभर पटेल, अलख मुनि सहित सैकड़ों भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी साथी भारतीय जनता पार्टी के साथी बंधुओं, नाम लेना और आ गया जी ना, संभव नहीं है सबका, और आ गया सभी सम्माननीय देवियों और सज्जनों, मैंने सोचा नहीं था कि इतने अल्प समय में थोड़ी सी सूचना, एक दिन की सूचना पर आप इतनी बड़ी संख्या में इस चिलचिलाती धूप में इकट्ठा होकर आप सब हमारा साथ दें। मैं इसके लिए सर्वप्रथम आप सभी बंधुओं का, पूरे गुणवंतों से आए हुए तमाम अपने साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और उनका वंदन करता हूं। और इस बात से एक बात का विश्वास तो हो चला है कि हमारी जो ये लड़ाई आज शुरू हो रही है और ये लड़ाई कोई अड्डा चढ़ी की लड़ाई नहीं है कि तुम्हारी सरकार बन गई है तो हम आंदोलन ही करेंगे। धोखे की सरकार बन गई, 47,000 से वहां के गरीब और शिक्षित बेरोजगारों को, अशिक्षित बेरोजगारों को कुछ हम ऐसे मौके उनके लिए नौकरी के दे पाए, ऐसा कुछ करने का एक वहां बड़ा एक अवसर है। जमीन एक सबसे बड़ी बात होती है उद्योग लगने के लिए। उन्होंने सर्वे किया और जब वो भाषण में बोले तो उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भाई आपके वही कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ हो रहे अत्याचार के विरोध में आज दिनांक को जिला लोक सेवा प्रबंधन मुकेश द्विवेदी के खिलाफ कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा। संघ के मीडिया प्रभारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि अगर हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो आंदोलन उग्र हो सकता है। Hey!